إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد. كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين حسبنا الله ونعم الوكيل يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم آمين الحمد لله آج 12 दिसंबर 2021 को संडे के दिन कुरान क्लास नंबर 104 में हम में हम इनशा तूरतम का आगाज करने जा रहे हैं ये आलमोस्ट साढ़े छः पारे कवर होने के बाद अब मक्की सूरतें दो बड़ी आ रही हैं इससे पहले जितनी सूरतें थीं ये सब मदनी सूरतें थी बकरा सूरा इमरान सूरत और सूरतम अब ये मक्की सूरतें हैं तो आपको इसका मिजाज भी बिल्कुल डिफरेंट नज़र आएगा मक्की सूरतों में आपको या यूह लदीना आमनू के साथ खिताब नहीं मिलेगा बल्कि पूरी इंसानियत के हवाले से ख़िताब हो रहा होगा स्पेसिफ़िकली काफ़रों के हवाले से डिस्कशन हो रही होगी अक़ीद तोहद के हवाले से, सेकीद आखरत के हवाले से इसमें शर्मात बिल्कुल नहीं होंगे जिस तरह सूरतमादा में शरियहकाम आए सूरत में सुरः अलबरा के अंदर यहाँ पर स्पेसिफिकली आप समझ लें तोहेद के सेंटर्ड हैं मक्की सूरतें ईमान बिल आखरा के मरने के बाद जी उठना है ये इनका मरकज़ी टॉपिक है सूरतनामाम में भी और सर अलराफ में भी इसमें भी फिर ये दो सूरतें चूंकि जोड़े की फॉर्म में हैं और जोड़ा जो है वो ज़ाहिर के मिल के एक मकसद की तकमील करता है सूरतुल अनाम के अंदर अकीद तोहीद जो है इसको इस्टेब्लिश किया जाएगा फ़िज़िकल फिनमिन ऑफ नेचर जो कानून क़ुदरत कुदरत की जो निशानियाँ कायन में बिखरी हुई हैं उन दलाइल के ज़रिए और सूरतलराफ़ में जो सबका उम्मतें हैं अगले अम्बिया की उनके साथ क्या मामला हुए और फिर एंड रिज़ल्ट उनका क्या निकला इस हवाले से डिस्कशन होगी हकीम की जो आयात है ना जी इनको अगर आप टॉपिक वाइज डिवाइड करें ना तो शाह वल्ला देलवी अलमतबा एवन सेवनटी सिक्स हिजरी उन्होंने एक किताब लिखी है अलफौलकबीर फी उसूल तफसीर छोटी सी किताब है अरबी के अंदर वो एम ए इस्लामियात के कोर्स में भी दरस नज़ामी में भी पढ़ाई जाती है आपको मार्किट से मिल जाएगी उसका पी डी एफ़ भी हमारी वेबसाइट से आपको मिल जाएगा उसमें उन्होंने कुरान हकीम की जो तफसीर है इसके असूल वज़ा किए हैं कि कुरान हकीम की तफसीर करने के लिए आपको किन बुनियादी असूलों का ख़्याल रखना है उसमें कई एक चीज़ें उन्होंने डिस्कस किए हैं नासुख़ मनसूख का मसला डिस्कस किया है और बिल्कुल आम फाम करके उसमें उन्होंने एक बहुत बड़ा ट्रुथ आप कह लें रिवील किया है या डिस्कवर किया है या उनकी अपनी एक इन्वेंशन है इस हवाले से कि कुरान हकीम की जो आयत हैं ये पांच कैटेगरीज में फॉल करती हैं कुरान की कोई आयत भी उन पांच कैटेगरीज से हट के नहीं होगी और वो पांच टर्मिनोलॉजीज उन्होंने डिफाइन की नंबर वन इमकाम यानी कुरान की आयत या तो इलम्हम से रिलेटेड होगी यानी अल्लाह ताला के जो अहकाम नाजिल हुए हैं जितने भी चाहे वो हलाल हराम के मसाइल हों तहारत के मसाइल हों नमाज़ रोज़ा हज ज़क़ात इसी तरीके से अखलाकी बुराइयों से बचना चोरी जना ये सारी चीज़ें इल्म-ul-अहकाम अल्लाह ने जो जो हुकुम इंसानियत के लिए ओब्लीगेटरी करार दी है तो जितनी आयात भी जिनमें अहकामत आए वो इल्माम की कैटेगरी में फॉल करेंगी आयात दूसरी कैटेगरी उन्होंने बनाई इमासमह वो कैटेगरी जिसमें अल्लाह ताला ने कुफार या मुनकरीन खुदा या गुमराह लोगों के जो अकायद और नजरियात हैं उनका इल्मी रद्द किया हुआ होगा मुखासमा अरबी में कहते हैं झगड़ा करने को यानी इल्मी झगड़े के साथ कि अच्छा तुम यह कहते हो तो इस पर क्यों नहीं गौर करते यह कैटेगरी होगी जिस तरह अल्लाह ने जगह जगह कुरान हकीम में मुर्दों के जी उठने के हवाले से मिसाल देते हुए कहा कि तुमने कभी बंजर जमीन की तरफ देखा है हम उस उसमें बारिश भेजते हैं और उसमें से सब्जा निकलता है इसी तरीके से तुम्हें भी उठा लिया जाएगा ईसाइयों ने कहा कि हज़रत ईसा अल्लाह के बेटे हैं तो अल्लाह ने रद्द करते हुए कहा कि ईसा की मिसाल अल्लाह के हाँ तो आदम किसी है आदम को तो तुम भी अल्लाह का बंदा मानते हो हालांकि आदम का तो माँ और बाप दोनों नहीं थे हजरत ईसा की फिर भी वालदा थी तो उनको तुमने अल्लाह का बेटा कैसे मान लिया अगर बेटा मानना ही था तो आदम को माना जाता यानी उसमें से रिजल्ट निकल रहा है इसी को मैं कहता हूँ वो एंटी वैनम लॉजिकल आंसर इल्ज़ामी जवाब थकी ये सारे अल्फाज मुहासमा झगड़ा करना अच्छा ये कहते हो तो ये भी तो तुम्हें पता है तो उससे क्यों नहीं ये रिजल्ट निकालते हैं? तो हर तरीके से इसी तरीके से मुशर्क अरब ने जो अपनी टूटी फूटी शरीय बनाई हुई थी तो अल्लाह ताला उसमें कहता है ये तुम तुमने किस किस्म की सूरत नाम में ही आ जाएगी कि ये वाला जानवर आराम हो गया अब ये वाला जानवर हमने बुतों के नाम पर छोड़ दिया तो ये तुम्हें अल्लाह ने तो नहीं बताया तुम्हें किसने ये बातें बताई हैं मुखासमा करना झगड़ा करना इलमुल मुखासमा ये दो बड़ी कैटेगरीज तीसरी बिल मौत नसीहत करना मौत को याद दिला के कुरान हकीम में जितनी आयात हैं जिनमें ये अल्लाह तला ने यानी समझ नहीं मरकजी टॉपिक है तो के बाद इस चीज के ऊपर एम्फसाइज किया है कि यह दुनिया की जिंदगी आर्जी है तो मैं मरना है मरने के बाद क्यामत के, के दिन जी उठना है और अल्लाह के हजूर अकाउंटेबल होना है अपने अमाल का अब यह तो कुरने पाक का समझ ले ताना बाना ही इसके गिरद है ये वो आयात हैं जो अत बिल मौत यानी मौत को याद दिलाकर अत नसीहत करना कुरान के लिए तो आई है इनाजल जिक्रवाफि इस नसीहत वाली किताब को इस याद दिहानी करने वाली किताब को हमने नाजिल किया हम इसकी हिफाजत करने वाले हैं वाल फहल बिमदक हमने कुरान नसीहत हासिल करने के लिए आसान कर दिया है, है कोई नसीहत हासिल करने वाला व ओह कुर वलग हमने कुरान इसलिए तुम्हें वही किया ताकि इसके जरिए तुम्हें डर सुनाया जाए और जिस तक ये बात पहुंच जाए इसी के जरिए डर सुनाया डर क्या है कि मरने के बाद अल्लाह के हजुर पेश होने कुरान का पूरे का पूरा आप समझ लें जो मरकजी टॉपिक है वह दो ही है तोहेद और मरने के बाद जी उठ इसीलिए हम कहते हैं ना कि तीन बुनियादी अकीदे हैं इस्लाम के अकीद तो आखरत और अकीद रसालत यह तरतीब बाजूकात अकीद और आखिरत लेकिन रसालत जो है बेसिकली अम्बिया अल्लाह के इंट्रोडक्शन के लिए आते हैं वो यही बताने आते हैं कि तुम्हें मकसद पैदा किया गया तुम्हें मरने के बाद अल्लाह के हजूर पेश होना है असल जो चीज़ है तोहैदी है और उसके ऊपर जो डेटरेंस है वह आखिरत की है जवाबदेही की रसूल बीच में यह काम करते हैं कि अल्लाह का पैगाम उम्मतों तक इंसानियत तक पहुंचाते हैं। तो फिर हम वो तीन अकीदे कह देते हैं अकीदे तो रसालत और आखरत इस्लाम के बुनियादी तीन अकायदगी हैं। बाकी इसकी कुरॉलोडीज में आए तो रसालत में फिर किताबों पर ईमान भी आ जाएगा और अंबिया ने जो जो वादे दिए हैं उनके ऊपर ईमान भी आ जाएगा फरिश्तों पर ईमान आ जाएगा बाकी अल्लाह की जितनी सारी चीजें जो बयान हुई हैं सारा उसमें आ जाएगा तो यह है तजकीर बिल माउथ नसीहत करना मौत के जरिए तो तीन कैटेगरीज मैंने बयान की हैं इल्म-ul-मुखासिमा और अजगीर बिल मौत चौथी कैटेगरी है आला इल्ला अल्लाह की कुदरत की बड़ी बड़ी निशानियों को जिक्र करके नसीहत करना जिस तरह इसकी आप एपेक्स देख सकते हैं सूरत रहमान है इकतीस दफा आया फबी अये आलाबी को मातु कर जीबान जन्नत का जिक्र आया तो उसके बाद भी जिक्र यही जिक्रो इंस के, के ग्रोह तुम अपने रब की कौन कौन सी निशानियों को झुटलाओगे तर्जमा तो करते हैं है, नमत हमेशा तर्जमा नहीं होता क्योंकि जहन्नम की आयात के बाद भी आया फबी अये आला रब्बी को महतु कर जीबान तो जहन्नम तो नहमत नहीं है बल्कि वह तो अल्लाह के गजब का मुकाम है लेकिन अल्लाह की कुदरत की बहुत बड़ी निशानी है जिस तरह जन्नत निशानी है इस तरह जहनम भी निशानी है तो इकतीस दफा यह लफ्स रिपीट हुआ है आला इसीलिए बोलना रही ने इसका तर्जमा किया है उन्होंने सियाकुसबाक के अतबार से कॉन्टेक्स में तर्जमा किया अगर जन्नत का जिक्र आया तो उन्होंने नेमत का तर्जमा किया है अगर जहनम का जिक्र आया तो उन्होंने निशानी का जिक्र किया है अमूमन हमें यही तर्जमा बढ़ाया गया तो कौन कौन सी नियमतों को जुटलाओगे अला के जहनम की याद के बाद भी यही जिक्र आ रहा होता है तो आला कहते हैं कुदरत की निशानी तो इससे ये लफ् उन्होंने ड्राइव किया शाहवी ने भी आला इल्ला। और ये कुरान पाक में भी इसके साथ के अल्फाज मौजूद हैं कि इनको नसीहत करो अल्लाह की निशान के साथ फिजिकल फिनमिन ऑफ नेचर जमीनों आसमान की पैदाइश नबातात का उगना जो कुछ आप ऑब्जर्व करते हैं दिन रात का आना जाना सूरज और जमीन की हरकत सतारों पैदा करना जानवरों को जमीन पर फैलाना ये जितनी भी आयात हैं, जो ज्यादातर साइंटिफिक फिनमिना के अतबार से हम डिस्कस कर रहे होते हैं ये है अजकीर भी आला चौथी कैटेगरी और पांचवीं कैटेगरी मिल्ला। अल्लाह के जो बड़े बड़े यादगार दिन हैं, जिनको अल्लाह ने यादगार बनाया है उनके जरिए नसीहत दिलाना आप समझ रहे होंगे कि इससे मुराद जो है वह ईद मिलाद है या ईद याद अबा है या ईद-ul-फितर है नहीं ये ईद अबा या ईद-ul-फितर या ईद नबी नहीं है बड़े बड़े दिन वो कि जिन दिनों में कौमों पर अज़ाब आए थे अपने पैगम्बरों का इनकार करने की वजह से और यह भी कुरान में अयामिल्ल का जिक्र भी है कि पैगम्बर डर सुनाओ इनको अल्लाह के बड़े बड़े दिन याद करवा के बड़ा दिन वो था जब फिर डुबो दिए गए कौम मूसा को निजात मिली बड़ा दिन अल्लाह के नजदीक वो था जिस दिन कौम नू तबाह की गई और अहले ईमान को निजात मिली यह हैजीर भी अयामिल्ला अल्लाह के फैसलों के बड़े बड़े दिनों के जरिए नसीहत करना यह आपको टॉप ऑफ द लिस्ट जो सूरत है वो अगली है छह अंबिया का जिक्र आएगा पूरी डिटेल के साथ फिर सूरह हूद में भी कि हमने कौम हूद की तरफ हजरत हुद्लाम को भेजा कौम आद की तरफ कौम सबूत की तरफ साले को भेजा कौम शुब थी कौम मूसा थी इस्लाम की कौम इस तरह सारे अम्बिया का जिक्र अल्लाह ने करके फिर उन्होंने किस तरह अपने पैगम्बरों को झुटलाया कौम लूत ने कैसे झुटलाया एंड पे उन पर अजाब आया वो जो अज़ाब के दिन होते थे ना वो अल्लाह के फ़ैसले का बड़ा दिन अयाम्ला जो बुखारी मुस्लिम हदीस है कि दस मुहरम के दिन यहूदी रोज़ा रखते थे कि इस दिन हमें निजात मिली थी फ्रौनीों से तो नबी नबीम फरमाया तुम दस का रोज़ा रखो फिर साहबा ने कहा ये तो उनके साथ रिजमलस होगी फरमाया तुम और दस दो का रखो तो दस मुहर्रम इस एतबार से एक यादगार दिन के फिर उस दिन डबोए गए इस उम्मत के लिए भी दस मुहर्रम एक यामुल्ला बन गया कि उम्मत दो टुकड़ों में बट गई यानी आप समझ लें फाइनल जो डिवीज़न हुई है वो वाक करबला के बाद ही हुई है ना डिवीज़न तो पहले दिन से थी लेकिन वो एक आखिरी लकीर खींच गई वो कहते हैं लड़ाई झगड़ा मियाँ बीवी का चलता रहता है लकीर उस दिन खींचती है जिस दिन तलाक हो जाए तो ये दो फिरकों में समझ लें तलाक वाला मामला हो गया करबला के बाद फिर वो कोई भी यानी बड़े से बड़ा आलिम इनको एक जगह जमा नहीं कर सका क्योंकि वाकई बहुत बड़ा हो गया तो ये हमारे लिए अयामुल्ला इस हवाले से बन गया गजबे भदर का दिन अयामुल्लाह में से है क्योंकि योमुल अबू अबूजाल ने अपने जोम में कह दिया था कि ये हक और बातिल में फैसले का दिन है वो अपने आप को हक में समझता था अल्लाह ने फिर वही लफ्ज अबू जाल का यूज़ करके कहा कि हम इसे यौमुल फुरान बना के बताएंगे फिर और बनाया फिर इस तरह है कि वो सूरत में आता है मुसलमान तो अबू सुफियान का काफला लूटने के लिए निकले थे इसलिए एक तलवारें भी बहुत थोड़ी थी ये नहीं था कि तलवारें उनके पास नहीं थी अरबी के पास मेरे भाई तलवार हर बंदे के पास होती थी वो डंडे सोटे लेके निकले थे कि ठीक है हमने तो एक नहत्ता काफिला लूट रहे हैं जो उनका शाम से तजार उनके पास इतनी तलवारें वहां पर नहीं थी तो इनको जरूरत नहीं थी और रास्ते में अल्लाह ने कह दिया कि मेरा वादा दोनों में से एक दूंगा और साहबा ही चाह रहे थे कि वो आसान वाला ग्रोह मिले अल्लाह ने कहा कि नहीं गजब बदर करनी पड़ेगी कोई तैयारी नहीं है फिर गैबी मदद के जरिए अल्लाह ने उसे यौमुल फुरकान बनाया कि तीन सौ तेरह के जरिए अल्लाह ने हजार का लश्कर उलट दिया जिनके पास साजो सामान भी नहीं था फिर अल्लाह ने कहा कि अजाब मांगते थे ना ये लोग पहली ऐजाब की किस्त तो अयाम्ला में से ये गजब बदर गजब वहद भी अल्लाह ने तो यामुुल्ला बना दिया था सूर्य आलिमरान में आता है हमने तो वादा पूरा करके तुम्हें फतह दे दी थी तुमने डिसिप्लिन लूज़ किया और तुमने नबी की नाफरमानी की तो फिर तुम्हारे ऊपर वो वाला सारा मामला हुआ लेकिन वो गजब ओहद की कमज़ोरी मुसलमानों के लिए इतना बड़ा सबक हुई कि कल तो अल्लाह ने उनको सुपर पावर्स के साथ टकरवाना था कासिया और यमुग में रोमन्स और पर्शियंस के साथ अगर उन बड़ी जंगों में ये लोग डिसिप्लिन लूज़ करते तो कितने बड़े लेवल का नुकसान है आप जरा इमेजिन करें कि अगर रोमन अम्पायर मुसलमानों से जंग जीत जाती तो मदीना शरीब पे आगे कब्जा नहीं था कर लेना उन्होंने जिस तरह इन्होंने जाके उनसे उनका मेन सिटी यूरूशलम ले लिया जो उनका भले कैसे रोम भी यूरूशलम छोड़ के फिर क्वस्तनतानिया में चला गया हालांकि दारुल खिलाफा आप कह लें या दारुल हुकूमत जो है रोमन अम्पायर का वो शाम था तो यहां मदीना शरीब में आके रोमन अम्पायर ने नहीं था बैठा होना जंग हार जाते अगर मुसलमान हार जाते तो ने आके मक्के और मदीने पे कब्जा नहीं कर लेना था इतनी बड़ी जंगों के लिए तैयार करने के लिए जरूरी था कि जो डिसिप्लिन कमजोर हुआ उसके ऊपर फिर सजनश हो साठ आयात कुरान की मुसलसल साठ आयात सूर्य इमरान की सिर्फ इस टॉपिक पे हुई है जो कुछ गजबाएद के अंदर मुसलमानों से मिसहेंडलिंग हुई ठीक है और स्टार्ट अल्लाह के नबी से हुआ लई सल का मिनल अमर शई है नबी तुम्हें किसी बात का इखियार नहीं है अल्लाह चाहे तो इनको हिदायत ही दे दे हज़ूर की मुबारक ज़ुबान से भी निकली थे ना अल्फाज बुखारी मुस्लिम में कि अल्लाह ऐसी कौम को कैसे हदायत देगा जिन्होंने उस अपने नबी का चेहरा खून से रंग दिया यानी खालिद अबिन वलीद की वजह से हुआ ना अल्लाह ने फरमाया नबी तुम्हें कोई इख्तार नहीं और देख लो खालिद बबन वलीद ही कोई ईमान मिला उसी मुबारक ज़ुबान से जिससे ये अल्फाज निकले थे सैफुल्ला का लक़ भी मिल गया अल्लाह का फैसला स्टार्ट यहाँ से हुआ फिर एक एक चीज अल्लाह ने डिस्कस की तो बस फिर देख ले मुसलमान गजब जीतने के बाद जो लूज किया और फिर दोबारा से नबील इस्लाम की स्ट्रेटेजी की वजह से एटलीस्ट फता नहीं हुई तो वो उस तरीके से भी ना हो सकी बैलेंस हो गया मामला उसके बाद मुसलमानों ने जब तक सुपर पावर्स गिरा नहीं ली है आप ले, मैच था। लेकिन फिर फाइनल तक कोई मैच हारा नहीं मुसलमानों अगर वो मैच ना हारा होता ना तो उनका डिसिप्लिन और इस तरीके से कि आपने ये चीजें लूज नहीं करनी समात करनी है लीडर जिस तरीके से ड्यूटी लगाए उसको उस तरीके से फॉलो करना है क्योंकि जो बंदा लीडर होता है उसका एक विजन होता है वो चीजें देख रहा होता है कि ये इस तरीके से लेके चलना है एक बंदा भी गड़बड़ करे तो पूरे का पूरा मामला कोलैप्स कर जाता है अब गलती तो उन पैंतीस बंदों की थी ना पंद्रह सिर्फ रहे जो सही बुहारी में आता है गजबेद के मौका पर पैंतीस की क्या खुमियाजा एक हजार साहबा को भुगतना पड़ा इंक्लूडिंग नबील इस्लाम आपके भी दांत शहीद हो गए वो बाद में शहीद हुए ना बागदड़ में सत्तर के करीब अंसारी शहीद हो गए मदीने का कोई घर नहीं था जिसमें मैयत ना हो जाबा बिन अब्दुल्ला के वालिद फ्रेंडली फायरिंग के अंदर मारे गए मुसलमानों ने ही उन्हें मार दिया क्योंकि पीछे से हमला हुआ तो पता ही नहीं चल रहा आगे भी काफर पीछे भी सैंडविच बन गए मुसलमान फिर क्या कुछ नहीं हुआ अल्लाह के नबी दुनिया में मौजूद हैं और लोगों ने समा उत्तात नहीं की लीडर को फॉलो नहीं किया अल्लाह के नबी की नाफरमानी की अल्लाह के नबी की दुआ भी उनके काम नहीं आई है खुद अल्लाह के नबी के भी दां शहीद हो गए सल्लाम आज तो रसुल्ला दुनिया में मौजूद नहीं है आज अगर उम्मत नाफरमानी करती है तो किस अकड़ में वो बैठी हुई है क्या रसुल्ला की दुआओं का हिसाब से पहुंच जाएगा और भी जब नबी रसाम दुनिया में मौजूद थे उस वक्त बीलास्लाम की दुआएं उनको नहीं बचा सकी जिन लोगों ने नाफरमानी की और उसका खुमियाजा बाकी लोगों ने भी भुगता तो आज दुआएं कैसे बचाएंगी सिर्फ दुआ से कुछ नहीं होना दवा भी करनी पड़ेगी ठीक है ना तो ये अ तजकर भी अमिल्ला तो ये पांच कैटेगरीज कौन सी होगी इल्मकाम दूसरी इलमासमा तीसरी अ बिल मऊत चौथी अ तजगीर भी आला इल्ला। और पांचवी अ तजगीर भी अयामिल्ला अब आप कुरान की कोई आयत भी उठाएं आप खुद डिसाइड कर लेंगे कि ये आयत इस कैटेगरी में मुझे तो आज तक रूफ़े मुकत्त को छोड़ के कोई आयत ऐसी नहीं मिली जो मैं बैठ के यहां डिसाइड ना कर सकूं कि ये इस कैटेगरी की आयत है शाहबुल्ला दिलवी की यह बहुत बड़ी आप समझ लें इनपुट है उन्होंने ये जो पांच कैटेगरीज़ बनाई हैं जहरा उन्होंने एक काम किया है सरफ में तो किसी ने इस तरह की कैटेगरीज नहीं बनाई थी लेकिन जो बंदा इनपुट देता है फिर अल्लाह ताला उसके ज़रिए ट्रूथ रिवील करवाता है उनके बाद भी लोगों ने काम किए डॉक्टर इसरार साहब के जो उस्ताद थे अमीन अहसन इसलाई साहब उनके उस्ताद हमीदुद्दीन फ्राई साहब उन्होंने बहुत बड़ी डिस्कवरी की कि, कि, कि कुरान पाक की सूरतें जो हैं ये जोड़ों की शक्ल में हैं ये पहले तो किसी के दिमाग में ये बात नहीं आई थी अगरचे अदीस में इसके इशारे मौजूद थे अलमुआव दो पनाह देने वाली सूरतें अलुआवजा तयन सूरतुलफलक और सूरत देख लें जोड़ा सूरतुलफलक जो चीजें इंसान पर बाहर से हमला आवर होती हैं ना उसको डील करती है और सूरतुलनास जो अंदर से हमला आवर होती है उसको डील करती है और दोनों मिलकर एक जोड़ा बन गया जैसे मर्दों औरत का जोड़ा एक कंप्लीशन करता है एक सिस्टम को यह सिस्टम को कंप्लीट करता है सूर्यमरान और सूरतुल बकरा जोड़ा सूरतुल बकरा यहूदियों को डील करता है सूर्य ईसाइयों को तो सबका दोनों उम्मतें, अहल किताब उसमें डिवाइड दोनों हिस्सों में इस तरह कुरान पाक जोड़ों की शक्ल में चंद तारा भी है जी सूरतुल कमर और सूरतल नजम जोड़ा है तो इसके बाद फिर इसके अंदर वो सारी की सारी चीजें फिर फलां नंबर पर ये आयत आती है तो उसके फलां नंबर पर ये आयत इस तरीके से आती है ये सारी डिस्कवरीज़ अमीदुद्दीन फ़राइ साहब ने की उनको तो मेरा फौत हुए बहुत मुश्किल सौ साल हुए होंगे तो कुरान कभी पुराना नहीं होता अपनी इनपुट लोग देते रहते हैं और मामला आगे चलते रहते हैं तो शाह दिलवी की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है मेरा ख्याल है ये किताब आप लोगों को लेके पढ़नी चाहिए उसका प्रोफेशनल पीडीएफ भी गूगल में हमारी वेबसाइट के ऊपर भी अवेलेबल होगा हमने कई जगह इसके हवाले भी लगाए हैं नासिक व मनसूख का मसला कुरान की किरात का अख्तिलाफ वो अक्सर मौलवी कहते हैं नहीं, पता नहीं आयत मनसूख है नहीं वो टोटल पाई पूरे कुरानी पाँच आयतान जी मनसूख ने और मनसूख से लोग समझते हैं पता नहीं क्या हो गया भाई पहले अल्लाह तला ने कहा था कि हर बंदे के लिए जरूरी है कि मरने से पहले वसीयत कर दे कि मेरे मरने के बाद ये चीज किसको मिले फिर अल्लाह ने वरासत के हकाम नाजिल कर दिए कि माँ बाप को इतना हिस्सा मिलना है एक बटा छा छः बीवी को एक बटा आठ मिलना है बच्चों और बच्चियों में इसका डिवाइड होना है वो आयद मंसूख होगी तो क्या हो गया यार इससे क्या ये का ये का नस्त खत्म हो गया और इससे या शेख अब्दुलकाद जनानी अलमदित हो, हो गया या, या महीनोद्दीन चिश्ती पार लगा दे किस नहीं हो गया इससे इस तरह उजा देते हैं अनफाल में आया कि अगर तुम ईमान मोमिन हो तो एक मोमिन जो है वो दस के ऊपर भारी है फिर अल्लाह ने कहा अब तुम्हारी कमजोरी इस एतबार से ज़ाहिर हो गई है कि मुसलमान तो ज्यादा हो गए हैं लेकिन ईमान उस लेवल का नहीं है अब एक दो के ऊपर भारी होगा उस आयत को कहा जाता है हो गई ये नासिक है तो इसमें से क्या हो गया कोई मुसीबत खड़ी होगी इसी तरीके से सूरतुलमुजादला में पारा नंबर अट्ठाईस के अंदर आता है कि जब तुम नबी नबीस्म से कोई सवाल करने लगो तो सदका कर दिया करो क्योंकि हर बंदा ही नमाज के बाद कहता है ऐसा मैं आओ ना मेरी गाल सुनो तो अल्लाह के नबी इतने बड़ी काज के लिए काम कर रहे हैं हर बंदा अपनी जारियाँ लगा रहा है तो अल्लाह ने कहा कि पहले सदका खरात करो फिर सवाल पूछो फिर जाहिर है गरीब लोग भी थे फिर अल्लाह तला ने कहा कि नहीं यहाँ ये हुक्म मनसूख है ठीक है सवाल पूछ सकते लेकिन थोड़ा डेकोरम मेंटेन रखो ये नासो को मनसूख है नासों को मनसूख नाशो को मनसूख पाँच जो त्रे थे मैं तुम्हें फिल्मी दस दिता है तो ये सारी बहसें तफसीर के असूल के हैं वो ये किताब आप पढ़ लें तो आपको ओवरऑल क़ुरान हकीम के हवाले से इतनी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी फिर उन्होंने स्पेसिफिकली क़र हकीम की जो मुख्तलिफ सूरतें हैं उनके हवाले से भी डिस्कशन की है उनका मर्जी टॉपिक क्या है इस एतबार से भी वो किताब कमाल की किताब है वह आप ले लें तो इन शाह कितनी बुनियादी बातें जो हैं जो उलमा को भी नहीं पता होती है और लोग बड़ा उसे मुश्किल करके पेश कर रहे होते हैं वो आपको पता लगनी शुरू हो जाएंगी अच्छा इसमें ये है इसमें ये है इसमें ये है तो ये शाह दिल भी का तारफ़ मैंने इसलिए करा आप देखें हमारा आलमोस्ट आधा घंटा इसके ऊपर लग गया मैं दोबारा तो नहीं इस इसमें बात करूँगा चूँकि अब एक चीज़ उस तरफ जा रही है तो आपको जरा आइडिया हो जाए कि अ तजक़ीर भी आला अला क्या है यहाँ पे अ तजकीर भी आला ही बरकजी टॉपिक है अल्लाह की कुदरत की निशानियों के जरिए नसीहत नसीहत है ही एक है कि तुम्हारा बनाने वाला एक रब है उसने तुम्हें मुकर्रा वक्त के लिए बनाया है और उसके चंद अहकाम हैं जिनकी पैरवी करनी है मरने के बाद तुम्हें उठाया जाएगा और पूछा जाएगा उसकी पैरवी की या नहीं की पैगम्बरों की इताद की या नहीं की और जो करने वाले हैं वो जन्नत में जाएंगे जो नाफरमानी करने वाले हैं वो जन्नत में जाएंगे दैट टोटल स्टोरी है पूरे कुरान की दावत यही है और उसमें जो टॉप ऑफ द लिस्ट जो टॉपिक्स हैं वो पांच जिसके अंदर सारे लाई करते हैं ये सूरत नाम जो है ना वो उसी से रिलेटेड है आऊदबिल्लाई तो बसमिल्लाम्ल ख़ समावत तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए हैं जिसने पैदा फरमाया आसमानों को और जमीन को ये तदकर भी आला अल्लाह की कुदरत की निशानियाँ वजह तीवल नूर और उसने बनाया अंधेरों को भी और नूर को भी सुमल कफर या आदिलून लेकिन फिर भी जिन्होंने कुफर किया है वो अपने रब के साथ और हस्तियों को मद्दे मुकाबल ठहराए हुए हैं जब बनाने वाला क्रिएटर एक है तो अल्लाह के साथ और हस्ती कैसे शरीक हो सकती है और फिर इस कायनात का नजम बता रहा है कि एक हस्ती की राय है जिसपे सारा चल रहा है वह सूरतुलमोमिन में आगे चल के आएगा सूर्य अलम्बिया के अंदर कि अगर अल्लाह के साथ कोई और अला होता तो जमीन आसमान का निजाम धर्म भरम हो जाता और हर इलाह अपने हिस्से की मखलूक लेकर अलग हो जाता पार्टी बाजी शुरू हो जाती कोई ना कोई ऐसा होता जो फिर अर्श की तरफ रास्ता तलाश करता कि हम इसके अर्श पे कब्जा करके जिस तरह आपको पता है पहले छोटे महाराजे होते थे बड़े महाराजे के ऊपर राजे जो है वो एक राजा जो है बड़े महाराजा को मार के वो आगे तख्त पे बैठ जाता था अल्लाह मैं इस तरह का कोई मामला नहीं है तो अल्लाह ताला का इस कहनात में जो नज़म है ये बता रहा है कि वो एक हस्ती है और आसमान और ज़मीन को पैदा किया उसने अंधेरों और नूर को पैदा किया देख लें नूर को अल्लाह ने सिंगुलर के सीघे से बयान किया है और अंधेरे को जमा के सीखे से गुमराइयाँ भी आप देखेंगे जमा के सीघे से आएंगी हदायत भी सिंगल के सीघे के साथ आएगी तो ये आपको जो बाहर तजाद नज़र आ रहा है आसमान जमीन दो एक्सट्रीम्स इसी तरीके से अंधेरा उजाला दो एक्सट्रीम इस तरह दुनिया और आखरत भी है ये जिंदगी काफी नहीं है इसके मरने के बाद एक और जिंदगी में भी जाना है ये भी एक जोड़ा है दुनिया और आखरत वो ही अल्लाह है जिसने तुम्हें भी पैदा किया मट्टी के साथ अजला और फिर तुम्हारी एक मयाद कर दी है हर बंदे ने अपना वो टाइम पास करके दुनिया से चले जाना है सूरतमिन में सूरत हज में अल्लाह ने फिर पूरी तफसीर बताई है कि तुम जनीन की शक्ल में होते हो फिर हम तुम्हें बच्चा बना के बाहर निकालते हैं फिर तुम बड़ी उम्र को पहुँचते हो जवानी तक पहुँचते हो फिर बुढ़ापे तक पहुँचते हो बा लोग जवानी में मार दिए जाते हैं यानी अल्लाह तला उसको अपनी से मसूख करता है कि मैं उन्हें मौत दे देता हूँ बाज़ बुढ़ापे की उम्र तक जाते हैं वह अजलुमन दुम तुम तम और एक म्याद मुकर है अल्लाह के नज़दीक फिर भी तुम शक कर रहे हो यानी एक तो जी छोटी मौत इंडिविजुअल लेवल पे है ना एक बड़ी मौत आने वाली है वो पूरी कायनत को जिसका इल्म के पास है क़्यामत का दिन उसमें फिर भी तुम शक कर रहे हो यानी ये पर्पज़ लाइफ है अल्टीमेटली एक दिन आना है तुम्हें अल्लाह के हजूर पेश होना है वह वाहु फिल समावा व फिल अर्दी और वही अल्लाह है आसमानों में भी और ज़मीन में यानी दो खुदा नहीं है आसमान की मखलूकत का खुदा भी वही है जमीन की मखलूक का भी खुदा वही है आसमानों का भी अच्छा आसमान अमूमन जमा के सीखों के साथ आते हैं जमीन सिंगुलर के क्योंकि ये मेरिकल प्लान है अल्लाह की क्रिएशन का क्लाइमैक्स है इसलिए जमीन को अल्लाह तलासिफिकली जिक्र करता है याकम वो जानता है जो भेद छुपे हुए हैं वह जह रकम और जो खुली बातें हैं वही आलम तक सिबून और वो भी जानता है जो कुछ तुम कर रहे हो जो तुम कमा रहे हो अपने अमाल अच्छे या बुरे वो उसके इम है मुराद ये कि अल्लाह को किसी फरिश्ते की हाजत नहीं कोई रिकॉर्ड कीपर रखने की जरूरत नहीं है छुपी चीजें हों हो, तुम्हारे अमाल हो, सारा डाटा उसके इल्म है और क्या कामिल इम है क्या कामिल इम है सूरतुलनाम में यह आगे चल के आएगा कि जमीन की खुश्कियों में ना समुंद्र की गहराइयों में कोई पत्ता भी नहीं गिरता और ना कोई बीज जो है जमीन के गहराई में फूटता है मगर उसके इल्म से और उसका इल्म ऐसा कामिल महफूज में लिख लिए इतना बड़ा डाटा कौन रख सकता है ये किसी की नहीं हो सकती। या तो यह अल्लाह की कॉम्पिटेंसी है याद शेख अब्दुल का जलानी की माद अल्लाह कहते शुक्र करोगे वो, करो वो साढ़े जमाने जिस तरह उड़न हो रही है ना ठीक है अगर उन्होंने कुछ किया है तो उन्होंने भी यही कुछ होना चाहिए अगर उन्होंने किया है हम उन्हें बेनिफिट ऑफ डाउट देते हैं अब आपको पता चला कुरान तर्जमा क्यों नहीं इन्होंने होने दिया अक्सर लोग पूछते हैं कि शाह दिलवी ने आके फारसी में तर्जमा किया है पहले हजार साल के मुसलमान कास हो रहे हैं उन्होंने क्यों नहीं तर्जमा किया भाई तर्जमा किया होता तो ये जो इस वक्त जो ये दुनिया में इंकलाब आया हुआ ना ये हजार साल पहले ही आ जाता और जो ने जिस तरह अकीदों में बिगाड़ पैदा किया कभी भी ना होता अगर कुरान इन्होंने तीन सौ साल भी नहीं हुए कुरान का पहला तर्जमा हुए और वह भी फारसी में हुआ था उर्दू तर्जमे तो सो डेढ़ सौ साल पहले हुए ये लोग मुखालिफ से तर्जमों के अब हो गए तो अब उसके पढ़ने के जब मुखालिफ है तो आप सोचे कि इन्होंने किए क्यों है किए जिदम जिदा एक ने किया दूसरे ने अपने फिरके का तर्जमा किया उन्होंने उन्होंने भी करो सरकार अपने हिसाब न करो वो कहने चलो साइड से आशिया लिख दो आशिया लिखने शुरू कर दिए जिदम सिदा तर्जमे हुए हैं वरना यह बिल्कुल ही साक में नहीं है तर्जमा बुहारी का पहला तर्जमा उन्नीस सौ बीस में हुआ है सौ साल पहले इससे पहले हमारे बौजदाद को पता ही नहीं था बुहारी में क्या लिखा हुआ है वो नमाज़ अनफ़ी जो उनको सिखा दी जाती थी वो उसी पर हमल करते थे बुखारी मुस्लिम ना नहीं किसी ने ना किसी ने सीखना आज लोग कह रहे थे उजना में क्या हो गया है भाई हो या या है कि भाई इल्म बार आ गया ये वही कुछ होया जो नबीसलाम जब दुनिया में आए थे तो मुशरकिन अरब कहते थे ये क्या हो गया हम तो सदियों से बुतों को पूज रहे थे एक शख्स ने आके भाई को भाई से जुदा कर दिया बाप को बेटे से जुदा कर दिया और इन्होंने बुतों की मुखालफत शुरू कर दी ये हमारे मजहब से फिर गए नए दिन के ऊपर आ गए अक्सर मौलवी आपको जो अकायद और नज़रियात में कमजोर अकायद के मालिक होंगे ना तो वो आपको एक ही जुमला बोलते हैं जी उम्मत में जोड़ पैदा करें जी तोड़ने की बात ना करें इनसे पूछें अल्लाह के नबी ने जोड़ पैदा किया बाप को बेटे से अलग कर दिया बेटे को बाप से अलग कर दिया भाई को भाई से अलग कर दिया गजब बदर में इधर बाप खड़ा है उधर बेटा खड़ा है ये अल्लाह के नबी ने जोड़ पैदा किया था उनमें जोड़ होता है मानने वालों के लिए जो अंबिया के मुखालफी है किताबों के दुश्मन है उनके साथ तो हमारा तोड़ है उनके लिए तो में, कुरान में कहा गया दीन दफा हो जाओ तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मेरे लिएड़ कैसे हो सकता है यह हो ही नहीं सकता। तो अगर आपने जोड़ की डेफिजन लिखनी है इसको तोड़ समझ रहे हैं जो हम लोगों को एजुकेट कर रहे हैं तो इस कायनात का सबसे बड़ा तोड़ तो अंबिया फिर आके पैदा करते हैं कि उन माशरों में जाके जो एक जगह सारे गुमराई में इकट्ठे होते हैं जाके वहां पे अपनी आवाज बुलंद करते हैं और दो पार्टियां बन जाती हैं। अम्बिया के आने से पहले तो सारे एक ही होते हैं ना कितना प्यारा जोड़ हो रहा होता है अम्बिया आके तोड़ करते हैं कि नहीं ये जोड़ है जन्नत में ले जाएगा ये तोड़ है मेरी पैरवी करो जन्नत तुम्हारा मुकद्र हो यह अंबिया के आगे दावा देते तो ये सारे जज्बाती जुमले है ऐसा करने से मेरे भाई कोई नहीं होना जब भी आप सच्चाई की बात करेंगे ये हो ही नहीं सकता तोड़ पैदा ना हो तोड़ लाजमी पैदा होगा साहब कराम ने क्या क्या तकलीफें उठाई हैं आप देखें हजरत अबू रहा कहते हैं कि मेरी माँ नबीराम को गालियाँ देती थी सही मुस्लिम के अल्फाज है मैं एक दिन हज़ू के पास है मैंने अरसुल्ला बर्दाश्त बाहर हो गई है आज तो मेरी माँ के लिए दुआ कर ही दें कोई कबूलियत की घड़ी थी अल्लाह के नबी ने दुआ की वो कहते हैं मैंने वहाँ से दौड़ लगा दी कि मैं पहले घर पहुँचता हूँ यह दुआ पहले कबूल होती है पता नहीं कितनों ने बेचारों ने अपने माँ बाप के लिए कराई होगी सारों की धोनी तो कबूल हुई वरना तो हजूर के अपना चचा अबुला वो नहीं मान लिया था वो अलग ही मर्जी है इन न कल्ला तखदी मन अहबब था वोला किन्दी मई ये नबी जिससे तुम मोहब्बत करते हो तुम उसे हिदायत नहीं दे सकते अल्लाह जिसे चाहता है हिदायत देता है ये अल्लाह का फतवा है घर पहुंचे तो कहते हैं कि माँ ने दरवाज़ा नहीं खोला उसने कहा बेटा बैर रहे मैं गुसल कर रही हूँ गुसल करके बाहर निकली कहती मुझे ले जाओ रसुल्ला के पास गई और ईमान कबूल कर लिया लेकिन ये वाले मुड़जात रोज रोज तो नहीं होने ना हर बंदे के साथ होने हैं वरना सारों ने ना दुआ करवाई होती करवाई होगी यकीन इनकी दुआ इसलिए रिपोर्ट हो गई है ये कबूल हुई हुई है जो कबूल नहीं हुई वो तो नहीं रिपोर्ट करनी थी ना किसी ने रोजाना यार आप लोग अगर आके मुझसे अपने माँ बाप रिश्तेदारों के लिए दुआएं करवाते हैं तो आप क्या समझते हैं कि सावय कर राम नहीं अपने रिश्तेदारों के लिए रसुल्ला से दुआएं करवाते होंगे वो अल्लाह की मर्जी अल्लाह भी फिर देखता है कि किसको को हिदायत देनी है वो उसके मुताबिक फैसला करता है मात अतिम आति आया और इनके पास नहीं आती कोई भी निशानी अल्लाह की निशानियों में से इलाकान मगर वो उससे मुंह ही फेरे जाते हैं अब पस मंजर में ऑलमोस्ट आप समझ लें तेरह साल मक्की दौर है क्योंकि सूरत मक्की दौर के एंड पे नाजिल हुई है यानी दो तिहाई कुरान नाजिल हो चुका हुआ उसके बाद ये अल्लाह तला कह रहे जितनी भी आयात नाजिल हुई इन्होंने रूगरदानी की और जैनवन बात है तेरह साल तबलीग करने के बाद सिर्फ एक सौ पच्चीस बंदे मुसलमान हुए और अगले दस साल के अंदर अल्लाह ने अरब में रेवोल्यूशन बर्पा कर दी और उसके भी तीन चार साल के अंदर रोमन और पर्शियन अंपायर भी गिर गई मुसलमानों की तादाद मिलियंस में पहुंच गई लेकिन पहले तेरह साल दो तिहाई कुरान यानी कुरान का दो तिहाई टू थर्ड जो है वह मक्की कुरान है वन थर्ड मदनी कुरान है उस वन थर्ड का भी टू थर्ड हम पढ़ चुके हैं और पहले साढ़े छ पारे जो है तो ये तेरह साल इतना मक्की कुरान उसमें इतनी आखरत की जो है वो तरगीब दिलाई गई सब कुछ करने के बाद अल्लाह ताला फरमा फनमार है कि जितनी भी हमारी निशानियां आई इन्होंने रू गर्दानी की फकदबू बिल हकम्मा जा बेशक उन्होंने झुटलाया हक को जबकि उनके पास आ गया कौन नबी सुर बिल हक़ीला नजल कुरान को हमने पर्पजफुल नाजिल किया मकसद के तहत और यह हक के साथ उतरा हक कहते हैं पर्पजफुल बा मकसद सच्ची हर ये एक चीज इस तर्जमे में फॉल करती है फसऊ का नब ही तो अंक्रीब इनके पास जो खबरें हैं ना अगले अम्बिया के बारे में वो आई थी जिसका वो मजाक किया करते थे वो आ जाएगी यानी जिस तरह कुरान में ये धमकियां हैं कि रसूलों का इनकार करने पर अल्लाह का अजाब आता है ना तो ये भी एक रसूल है इन्होंने भी दावत की है अपनी उम्मत के आगे और उम्मत में से अक्सरियत ने कबूल नहीं की तो इन पर भी वो अजाब आने वाला है जो अगली उम्मतों पर आया लेकिन इस दफा जरा अजाब की शक्ल डिफरेंट थी अगले अंबिया की उम्मतों को अल्लाह तला ने हलाक किया मोजात ैबी तौर पर चिंगाड़ के जरिए समुद्र में डबो के पत्थरों की बारिश करके ज़मीन शक हो गई उसके अंदर दफन हो गए ये मुख्तलिफ मुख्तलिफाब की शक्लें आई नबी सल्लल्लाहु अलैहि सल्हसम के केस में अजाब की शक्ल डिफरेंट है वो है किताल मसूर तोबा में आया कि अल्लाह ताला ए मुसलमानों तुम्हारे हाथों से इन्हें अजाब देगा हमारे नबीसलाम की दो खसूसियात हैं जो बाकी अम्बिया से मुमताज़ हैं। अगले अम्बिया को अल्लाह ने दाव नबूत के लिए जो मुआजा दिए थे वो फ़िज़िकल फिनमिन ऑफ नेचर को तोड़ने वाले थे हज़रत ईसा मूस अलसलम के मुड़ात ईसा इस्लाम मुर्दों को ज़िंदा कर देते अंदों को शिफा दे देते अल्लाह के इजन से मूसीम लाठी फेंकते अजदहा बन जाता इस तरह का कोई मुड़जा हमारे नबी इलाम के, के केस में दाव नबूत वाला नहीं है वैसे मोजात बहुत हैं बुहारी मुस्लिम में तो मुसलमानों के साथ हुए ना कि गजब सुलहदेबिया के मौका पर पानी कम पड़ गया तो हजूर अल इस्लाम ने अपनी मुबारक उंगलियां दाखिल की चश्मे जारी हुए ये आपने करके काफरों को तो नहीं कहा कि देखो मेरे हाथों से चश्मे जारी हो रहे हैं तो ईमान लाओ मुझ पर उल्टा काफ़रों ने जो मोटात डिमांड किए वो सूर्य बनी इसराइल में नो मोजात है इसके लिए एक बाघ हो जिसमें नहर रवान हो जाए यह हमारे सामने आसमान पर चढ़े और इसके चढ़ने को भी नहीं मानेंगे हमारे सामने ऊपर से किताब लेके ऐसे उतरे और उसे हम छुएं अपने हाथों से फिर हम मान लेंगे तुम अल्लाह के रसूल हो नो मुजात हैं उसके एंड पे अल्लाह ने फरमाया तुम फरमाओ मैं तो बशर हूं रसूल हूं मोरजात अल्लाह के पास है नबील इस्लाम का दावत नबूत वाला मोर्ज़ा उस तरह का नहीं था जिस तरह अगले अब बिया के थे आपका दावत वाला मोटजा कुरान है चूंकि आपकी नबूत क्या तक के लिए थी इसलिए आपको मोर्जा भी ऐसा होना चाहिए था जो क्या तक के लिए होता वरना हजूर अगर फिज़िकली को मुआजा करके दिखाएं तो आज हम अगर हम कहेंगे हमारे नबीम ने मुर्दों को जिंदा किया तो काफ़िर कहेंगे दिखाओ वीडियो दिखा सकते हैं तो नबूए तो क्या तक के लिए जब हम ये क्लेम करते हैं हमारे नबी का मुर्जा कुरान है और ये सूरतबूत में आयात मौजूद है कि ये मुर्जा है नबी तुमसे मांगते हैं कि तुम पे कोई मुर्जा नाजिल नहीं हुआ तो फरमाओ कि क्या तुम्हारे लिए काफ़ी नहीं है कि ये कुरान की आयात तुम पे सुबह सुबह शाम तलावत की जाती है इस नबी का मुर्ज़ा ये कुरान है इस सूरत का भी बरकजी टॉपिक बार बार यही आएगा का काफिर इतराज़ करेंगे इस नबी को मोरजा क्यों नहीं दिया गया और आम लोग जब पढ़ते हैं वो कहते हैं हमारे नबी को तो इतने मोरजे दिए गए थे तो ये काफिर क्यों फिर पूछते हैं वो दावे नबूत वाला मुआजा पूछते थे वो वाकई कोई नहीं दिया गया काफरों ने यहाँ तक डिमांड की कि तुम हमें खुद ही बताते हो मूसा इस्लाम के दीन को तुम आगे लेके चल रहे हो ईसा इस्लाम के तो उनके ज़माने में तो आसमान से एक गैबी आग आती थी और कुर्बानी को उठा के खा जाती थी तुम भी ये मुर्जा करके दिखाओ मुर्दों को जिंदा करके बताओ सूरतलम्बिया के स्टार्ट में तो अल्लाह ने सब क्या अगले लोग ईमान ले आए थे नबी का मुर्ज़ा कुरान है इन्ना इन्ना लहू और यही वजह है कि कुरान महफूज है बाकी अंबिया की किताबें इसलिए महफूज नहीं वो भी अल्लाह कर सकता था इसलिए कि वो क्यामत तक के लिए पैगम्बर नहीं थे और ना वो मुर्जा क्यामत तक के लिए था ये मर्जा क्यामत तक के लिए अल्लाह ने उसे महफूज कर दिया तो हमारे नबी की दो खसूसियात क्या है टेंजिबल फॉर्म में फिजिकल ऑफ नेचर को तोड़ने वाला नहीं है दावा वाला बल्कि कुरान है और दूसरी खसूसियत है कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि के केस में आसमान से नहीं आई समुंदर में काफिर गरग नहीं हुए पत्थरों की बारिश नहीं हुई सहाबा की तलवारें अल्लाह ने काफरों में मुसलत की और वो भी तेईस साल के बाद फाइनल जो तो के लिए उसमें से भी अक्सर लोग ईमान ले आए गजब आप देख लें वो भी पंद्रह साल बाद हुई है तेरह साल मक्की दौर और दो साल मदनी दौर तो अल्लाह ने फिर सुरफाल में फुरमैन अजाब मांगते थे लो अजाब आ गया यह अजाब की पहली किस्त बदर तो यह मरकजी टॉपिक कुरान का पता होना चाहिए आपको कि हमारे नबीलाम का जो मुआजा है वह कुरान है दूसरा हमारे नबीलाम के केस में अल्लाह की तरफ से अजाब जो आया है मुश्रकन अरब के इनकार करने पर वह तलवार मुसलत हुई है

फतेह मक्का हिरमुख ये सारे अजाबात हैं अल्लाह के वो सूर्य तोबा में आया कि मुसलमान तुम्हारी तलवारों से हम इन्हें अजाब देंगे तो इसलिए ये मक्की सूरत पढ़ते हुए ये चीज बार बार आएगी तो ये जो अल्लाह तला हमारा ना कि अनकरीब जो खबरें तुम्हारे पास अगले हम ब्याह की आई ना तो ये सब कुछ होने वाला है तुम्हारे साथ भी जो तुम मजाक उड़ाते थे और वो कहते थे कि नबी ले जो हमें इतने अरसे से सुना रहे हो कि रसूल का इनकार करने पे फलां कौम मिलाक हुई तो हम तो कौन ही हाक हो रहे तो वाकई हो भी नहीं थे पंद्रह साल बाद फिर लाख हो ना सत्तर सरदार मरे ना गजब बदर में और इतने क़ैदी हो गए और कुरेश मक्का का एक बंदा एक सरदार मरना वही उनके लिए बड़ा वो तो अपने आप को डॉन समझते थे अरब का उनके तो टक्कर का कोई नहीं था उनके तो काफले को नहीं लूटता था क्योंकि हर में मक्का की उनके पास तवलियत थी वतवली थे वो उन्होंने कहाँ सोचा था कि हम में एक शख्स पैदा होगा और इस तरीके से हमें चैलेंज कर देगा तो ये अल्लाह तला की गैबी मदद थी इस्लाम के साथ बहरल एक बड़ी हैरान कन बात है जो मैं अक्सर सोचता हूँ इसमें भी आगे आयत आ जाएगी कत नफ से हिरमा अल्लाह ने अपने ऊपर लाजिम कर लिया कि हर हाल में रहम करेगा बुखारी मुस्लिम दोनों में अदीस है कि अल्लाह ने मखलूक़ की पैदाइश से पहले अपने पास अर्श पे ये इबारत लिख ली थी कि मेरी रहमत मेरे गज़ब पर सबकत ले जाएगी ये हैरान कन बात है कि मक्की कुरान धमकियों से भरा हुआ है यहाँ पर भी देख लें अल्लाह तरफ मार है कि तुम मजाक उड़ाते हो ना हमारे पैगम्बर का अनकरीब तुम्हें वो अजाब आ लेगा लेकिन उस बड़े लेवल का अजाब नहीं आया मुशरकिन अरब के ऊपर अवलीन मुखातब तो वह थे ना जुगों में मारे गए फतेह मक्का बड़ा अजाब आना था फतेह मक्का के दिन जब दस हजार का लश्कर हजूर अस््लाम ले लेके मक्के में दाखिल हुए उस दिन तो सबकी लाशें उठनी थी वहां से क्योंकि वह आखिरी दिन था ठीक है वहां हजूर ने आके माफ कर दिया अब हजूर ने यह भी नहीं देखा कि पूरा कुरान धमकियों पर खड़ा है ठीक है वहां पर अल्लाह ने एक और आखिरी जिसे कहते हैं ऑप्शन रख दिया कि चार महीने का टाइम है या तो इस्लाम कबूल कर लो सूर्य तोबा के स्टार्ट में या जजीरा नुमा अरब छोड़ के चले जाओ या फिर तुम्हें कत्ल किया जाएगा अजाबिश्ती साल उस मौका पर फिर ज्यादातर ने इस्लाम कबूल कर लिया इक्का दुक्का लोग अरब की सरजमीन से चले गए कुछ बागे उनको भी उनके साथी पकड़ के ले आए सफवान को पता है ना आपको समुद्र के किनारे से पकड़ के ले आए थे मुसलमान हो गया इकरमा बिना भी जाल वो भाग गया और समुद्री सफर में जब तूफान आया सुनसाई में अधीस है वहां पर काफिर भी अल्लाह को पुकारना शुरू हो गया उन्होंने कहा कि यहां पर अपने बुतों को क्यों नहीं पुकारे उनका इधर बुत काम नहीं आते हाँ बुत या बुजुर्ग बोइंग सेवन फोर सेवन तो नहीं उड़ा सकते ना तो पायलट ही उड़ाएगा ना उनका इधर तो अल्ला ही बचा सकता है क्योंकि समुन्दर अल्लाह के इख्तियार में भंवर में फजा हुआ जहाज जन्नम में जाते जाते इकरमा इबन अबी जहल जन्नत में पहुंच गया बाप उम्मत का फिरोन है और बेटा थाला थाला न हुआ है सिर्फ मुश्किल उनकी की चार साल की जिंदगी तेरह इजरी में जंगे यरमूग में शहीद हो गए फतेह मक्का में मुसलमान हुए और वह भी फौरन नहीं ये उन चार बंदों में से थे जो अबू दाऊद में सुनसाई में आता है कि खिलाफे काबा में भी छुपे होना हजूर ने कहाबा का हरम है लेकिन इन चार बंदों के लिए हुरमत उठ गई ये इतने बड़े इस्लाम के दुश्मन है इनको काबे में भी गिलाफ काबा के अंदर बीना तलवार मार के कत्ल कर देना है। ये उसमें भाग गया भवन में जब कश्ती फंसी सब लोग पुकार रहे हैं अल्लाह को इन्होंने कहा यार अल्लाह तू मुझे एक बार बुझा ले तेरे नबी के हाथों में आ दूंगा वापिस आए रिक्वेस्ट की हजूर ने कबूल कर लिया पूरा कुरान धमकी से भरा पड़ा है एंड रिजल्ट यह हुआ है एक एक करके सब इस्लाम में दाखिल हो गए वह धमकियां कुरान में लिखी रह गई हैं बाकी जो एक्सट्रीमिस्ट थे वो तो जंगों में मारे गए ना अदरवाइज तो असल जो फैसले का बनना था ना वो फतेह मक्का का दिन था हिजरी में जब दस हजार का लश्कर है तो मक्के वालों का कचूमर नहीं निकलना था जिन्होंने इनको निकलने में मजबूर किया जिन्होंने इनकी औलादों को कत्ल किया इनके मां बाप को कत्ल किया इनकी जदादें लूट ली और इनको यहां से निकलने मजबूर किया सावयक राम को वो तो बदला उतारने का दिन था उस दिन तो फिर नबीसम ने वही आयत रावत की सुरह यूसुफ की ला तसरीबा अल यौम आज तुम पे कोई गिरफ्त नहीं है ये ऑप्शन है कबूल कर लो अब भी अगर कलमा पढ़ना है तो पढ़ लो या तलवार से बचना चाहते हो तो हमसे जंग ना करो अरब की सरजमीन छोड़ के चले जाओ अगर यहां पर रहोगे तो फिर कत्ल किए जाओगे अजाब इस्तजाल तुम्हारे ऊपर आ जाएगा अबू सुफियान ने भी कलमा पढ़ लिया माविया ने भी कलमा पढ़ लिया बाकी लोगों ने भी कलमा पढ़ लिया तो अल्टीमेटली ये अल्लाह की रामती गिब हुई है अगर देखा जाए तो उन लोगों ने इस्लाम कबूल कर लिया यऊ का महलना मिन कबल हिम मिन कर्न क्या इन्होंने नहीं देखा कि हमने पहले भी कितनी कोमें इनसे पहले हलाक कर दी मक्न्ना फिल अर्द जिनको हमने जमीन में ऐसा तसल्लु दिया था मालम नो मक्किल जो तुम्हें नहीं दिया यानी तुझी तो शाय ही कोई नहीं कौमेद और समूद इतने बड़े बड़े जुसों वाले पहाड़ों को काट के उसमें मकान बनाने वाले लोग अल्लाह ने उनको दबाव बर्बाद कर दिया था तो तुम क्या चीज हो वह अरसम दरौरा हमने उन पर मूसलाधार बादल बरसाने वाले भेजे वह जान तजरी और उनके नीचे नहरें बहा दी थी आ... यानी अल्लाह ताला ने उनकी इकॉनमी इतनी उनको मज़बूत दी हुई थी फाह लकनाउ बिजनू भी हम लेकिन अल्टीमेटली उनको अल्लाह ने गुनाहों के सबब हलाक कर दिया इतनी नियमते अल्लाह ने उनको दी हुई थी बारिशें होती थी उस वक्त तो सारा कुछ यही था ना फसल के जरिए बागात के जरिए खेतीयों के जरिए लोग अपना गुजर बसर करते थे सादा जिंदगी थी तो हमने उन्हें उनके गुनाओं के सबब हला कर दिया वह अनश नामबाद आन और फिर हमने उनके मरने के बाद और कौमें पैदा कर दी अल्लाह के लिए को मसला है अल्लाह ने तो इसको इस तरह कह जी ये ख़त्म जैसे वो सॉफ्टवेयर अन इंस्टॉल या ये फ़ाइल डिलीट नई फाइल बनाओ जी अल्लाह तो फिर यही है ना क्रिएटर है ना जी अल्लाह कहते हैं हमने ख़त्म कर दी नहीं उठा दी वो तो आगे फिर तफसी अगली सूरत में आएगी यहाँ तो अल्लाह इजमालन बयान करें ना इसका जोड़ा सूरत रा वहाँ फिर अल्लाह तला बताएगा कौम नूह के हलाक होने के बाद फिर जब उनमें मुश्रकाना ओ हाम आए तो फिर अल्लाह तजरत हूद को भेजा और कौम की तरफ फिर वो हला किए गए उनकी भी जो आगे एहल ईमान की नस्ल चली उनमें फिर जब शिरकिया कायद है फिर अल्लाह तला ने उनमें हजरत साले को भेजा कौम सम की तरफ इस तरह नसल दर नसल अम्बिया आते रहे पैदर पै तो अल्लाह तरह हमने कई कौमें हलाक कर दी और कई और फिर कौमें पैदा कर दी वल नजल्लाई का किताबी करतास ए नबी अगर हम आप पर कोई किताब नाजिल कर देते कागज़ पर लिखी हुई इनकी डिमांड है कि जी मूसा इस्लाम को तो तख्तियों पे तोरा दी गई थी तो तुम अगर पैगम्बर होने का दावा कर रहे हो तो किसी कागज पे किसी तख्ती पर कोई अल्लाह की हैंड राइटिंग में हमें दिखाओ कुरान नाजिल हुआ हुआ ठीक है आर्ट्स और साइंस अगर इतनी तरक्की उस जमाने में होती तो हम आपको हर जगह अल्लाह की हैंड रंग दिखाते देखें ना जो साइंटिफिक फैक्ट्स पता चले हैं स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए जीन्स, मैथमेटिक्स को साइंटिस्ट कहते हैं ये अल्लाह की हैंडराइटिंग है हर चीज नपी तुली है तो साइंटिस्ट ने तो हमें हैंडराइटिंग ऑफ गॉड दिखा भी दी है हर चीज को अल्लाह ताला ने एक यानी आप फाइन फ्या, ट्यूनिंग्स देखें जमीन का सूरज से फासला फिर जमीन पे ऑक्सीजन हाइड्रोजन नाइट्रोजन थोड़ी सी कम ज्यादा हो जाए सब मर जाए सूरज का फासला थोड़ा ज्यादा हो जाए कम हो जाए सर्दी और गर्मी से लोग मर जाए ये सारी हैंड राइटिंग ऑफ गॉड है तो अगर हम कोई आसमान से कागज नाजिल कर देते जिसपे किताब लिखी हुई होती फला मसूह भी आई दी और ये अपने हाथों से उसे छू भी लेते लकालीन कफर हादा से मुबीन फिर भी जिन्होंने बात नहीं माननी थी उन्होंने कहना था कि ये जादू हुआ है हमारे ऊपर यह है नहीं है तो इधर भी हो रहा है आप बुखारी मुस्लिम से नमाज का तरीका दिखा दे कभी कह देंगे ऐ बुखारी और बुखारी नहीं है भाई तू अपनी लाया वै कुरान ला। का नहीं तर्जमा भाई तू अपना तर्जमा लाया अहमद अहब रेलवी साहब ने भी ईया कन्हू वाह ईया कन्हस्त का यह तर्जमा तो नहीं किया शेख अब्दुल का जनानी अलमदत या बावल हक बेड़ा तक या मोहिंदुद्दीन किश्त पा लगा दे किश्ती नहीं उन्होंने तर्जमा बरी बरी सरकार बरी खोटी किस्मत कर दे हरी उन्होंने भी वही यह इनका तर्जमा किया अपना लाओ भाई तो अल्लाह जिसकी है ना बात ना कबूल करने की अगर आप पे कुरान नाजिल होता है इनके सामने हाथों से छू भी लेते तब भी इन्होंने कहना था ये हमारे नजरों पर तो नहीं है मगर खोला जा दो वकाल मलक और एक और इतराज करते हैं कि इस नबी पे कोई फरिश्ता हमारे सामने क्यों नहीं नाजिल हुआ अब ये मुंह बांगे मोरजात अपनी डिमांड नाजिल हो रहा अगर फिर कटो के करना जी वो यहाँ भी आगे लोग कहते हैं ना जी जी हम मान नहीं सकते जी चिश्ती रसूल्ला लिखाओ हम उन्हें कहते हैं जी अगर निकल है फिर क्यों होगा या तो हूँ दसो ना कि जाके फिर कोई किसी बा की कबर पट दोगे या कोई किसी मकदबे अग ला दोगे या अपना फिर का कम अज कम छो दो काम जो पहले दसे गलत ने फिर का छड़ो ऐनी फिर हम मुलमा से पूछेंगे फिर क्या तक वापस ही नहीं आते तो फिर क्या दिखाए करना या तो ईमानदारी से कहो कि हाँ भाई बचपन से हम अशरफ अली रसुल्ला को गलत कह रहे हैं आज चिश्ती रसुल्ला भी निकला ना तो इन शह आप देखेंगे कि हम हाँ कबूल करेंगे फिर तो ठीक है और जो ये करते हैं आप देखते हैं उनको हिदायत मिल भी जाती है और जो आय शाये करते हैं तो आप जो मर्जी करें पूरा कुरान उनसे गुजार दें उनको हिदायत नहीं मिलनी वो पैगम्बर मौजूद है तो अल्लाह तला, तला फरमा रहा है कि ये डिमांड कर रहे हैं रहें फरिश्ता वलऊल अमर अगर हम फरिश्ता नाजल जब कर देंगे ना तो फिर तो, तो तुम्हारा फैसला यानी फरिश्ता भी रजाब ही लेकर आएगा सुन भलाईरून फिर मोहलत नहीं दी जाएगी अब ये वैसे जवाब तो बहुत सख्त है आपकी अखलाकी लैंग्वेज में ये जवाब तो नहीं होना चाहिए उन्होंने फरिश्ता डिमांड किया तो कहा जाए कि नहीं मैं फरिश्ता डिमांड नहीं होगा कुरान पर ही मान ले आओ लेकिन इसके बैकग्राउंड पर तेरह साल मक्की कुरान है जिधर समझाया गया है कि बंदे के पुत्र बन जाओ एंड पे अल्लाह ने फिर गुस्सा कहा कि अच्छा ठीक है फरिश्ता चाहिए था। फिर अजा भी लहके आएगा जे अगर ये जवाब पहले दिन होता ना तो आप कह सकते थे उल्टा जवाब है ये तरीका है समझाने का तो मेरे भाई हम भी पूरा कुरान सुनत के दलाल रखने के बाद जब कोई नहीं मान रहा था फिर उसको कहते हैं भाई बाबे शाही कोई नहीं एक पूरा एक सिनेरियो बनाते हैं ना अगर कोई सिर्फ ये जुमला उठा ले और के, के जी आप कहते हो कुरान बड़े अच्छे तरीके से समझाता है तो यार काफरों तो डिमांड की थी फरिश्ता इसका जवाब ही होना चाहिए था कि फरिश्ता नाजिल नहीं होना कुरान पर ही मान लो जवाब क्या आ रहा है कि अगर फरिश्ता नाजल हुआ ना फिर तो थोड़ा काम हो जाएगा जे ये जवाब है लेकिन इसके पीछे तेरह साल मक्की दौर में समझाया गया उसके बाद ये इतनी एक्सट्रीम पे जाके जवाब दिया गया फिर इससे भी बड़ी बात आ रही है सुम्मा ला यून जरून फिर इन्हें मोलत ना दी जाती वो बड़ी बात क्या वह कल रजूला।, रजूला और अगर हमको फरिश्ता नाजिल करते हैं वो भी किसी मर्द की शक्ल में ही उतारना था ना वा बस निसून फिर इन्होंने उसी शक में पढ़ जाना था जिसमें आप पढ़े हुए हैं फिर इन्होंने कहना था ए फरिश्ता है नहीं है बंदा ही है ए, वैसे धोखा देता जा रहा है सानू आटा गुंदे हिंदी क्यों है हर बात का कोई ना कोई जवाब दिया जा सकता है हां सूर्य बनी इसराइल में अल्लाह तारा ने वो चूंकि इससे पहले किया उसमें अल्लाह ने फरमाया कि अगर जमीन पर फरिश्ते आबाद होते तो हम फरिश्तों में पैगंबर बनाते ये तो तुम्हारी डिमांड ही गलत है चूंकि इंसान आबाद है तो हम इंसान को पैगंबर बनाएंगे हां ये इलमी जवाब है लेकिन ये जवाब इससे पहले नाजुल हो चुका है ये फकी उनके लिए आई है जो वो सारे जवाब नहीं मान रहे ना तो एंड थे फिर अल्लाह ने क्या किया है कि ठीक है फरिश्ता आएगा तो थोड़ी मुंडियां लाण से और वो फरिश्तों ने उतारी हैं गजब बदर में हजरत जबराइल मिकाइल उस जंगों में शामिल थे काफ़रों की गर्दने उतारी हैं फिर आए ना फरिश्ते फरिश्ते मंग दे आ गए जो फरिश्तेलो विया बेरोसुलम मिन कबलिक और बेशक इनसे पहले भी उड़ाया गया रसूलों का मजाक घेर लिया उनको उसी अजाब ने जिसका दुनिया में मजाक उड़ाया करते थे अल्टीमेटली वो अजाब फिर आ गया तो तुम्हारे ऊपर भी आ जाएगा लेकिन चूंकि मैंने काफी ज्यादा इस हवाले से डिस्कशन कर दी है मेरा ख्याल है ये जो आज की डिस्कशन है ये पूरे कुरान की पूरी डॉक्टरिन को पूरी थीम को समझने के लिए एक ज़रूरी चीज़ थी इसलिए मैंने इसे तफसील के साथ बयान किया सिर्फ दस या आयात कवर हुई हैं इसी पर कंकलूड करते हैं ताला से दुआएं जो हक बात मैंने कही अल्लाह हमारे दिलों में रासिक फ़रमाए अगर जजबात में मेरे मुंह से वो गलत बात निकल गई अल्लाह ताला हमारे दिलों से धो दे हमें मुआफ़ भी फरमा दे हमें किताबो सन्नत की तलीमत पर अमल करके दूसरे भाईयों तक पहुँचाने की तोफ़ी किताब फ़रमाए सुबह नकल बिहमदिकददुल्लूबाबलामी जजाक